अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुनाफा बनाने की रेसिपी, जो कि एक अरेबियन डेजर्ट है और इसे हम बहुत ही बजट में बनाएंगे और काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। काजू और बादाम को हमें ब्लेंड करके एक पाउडर बना लेना है। अब इसकी जगह पिस्ता सिर्फ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे एंडिंग में हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग के टाइम, तो अभी इसे रख दीजिए। यहाँ पर सेवई ले लेना है हमें। आप कोई भी सेवई का यूज़ कर सकते हो, पतली या मोटी, पर भुनी हुई रहना चाहिए, यानी रोस्ट की हुई। एक क्यूब बटर ऐड कर दीजिए और घी ऐड कर देना है हाफ पैकेट। थोड़ा सा हमें फूड कलर ऐड कर देना है इसी के साथ। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स करना है और जितना हो सके उतना बारीक तोड़ लीजिए सेवई को। उसके बाद हमें इसमें पाउडर शुगर ऐड कर देना है, यानी शक्कर को सिंपली ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसके बाद ऐड करना है। इस तरीके से कंसिस्टेंसी हो गई। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप के लिए सिरप बनाएंगे हम। जितना भी कप आप पानी डालो उतना ही कप आपको शक्कर ऐड करना है। इसी के साथ थोड़ा सा नींबू और एक इलायची ऐड करके हमें इसे रख देना है। आप इधर पर केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाएगा उसके बाद लो फ्लेम पे हमें 1.5 मिनट पकाना है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। यहाँ पर थर्ड स्टेप के लिए हमें मलाई और 2 क्यूब चीज़ की इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले एक कंटेनर में और दूध ऐड कर देंगे 1.5 कप। जैसे ही उबाल आ जाएगा उसमें हमें शक्कर ऐड कर देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच ऐड करी थी। अब शक्कर मेल्ट हो जाने का वेट करिए। जब शक्कर मेल्ट हो जाएगा हमें गैस की फ्लेम को मीडियम करके थोड़ा पका लेना है दूध को। उसके बाद हमें इसमें मलाई ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई थी, यानी अरारोट को दूध में डाल करके मिक्स करी हूँ। तो 2 चम्मच अरारोट का इस्तेमाल की थी। जैसे ही आप इस मिक्सचर को डालोगे वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। इसे पका लीजिए गैस की फ्लेम को मीडियम रख के। 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पका ली हूँ। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करना है और चीज़ को क्यूब में कट करके ऐड करना है। इस बात का हमें ध्यान देना है कि ऑफ़ करने के बाद हमें चीज़ ऐड करना है और मिक्स कर दीजिए तुरंत ही, ताकि वो गरम में जल्दी से मेल्ट हो जाए और अच्छे से पीक बनना शुरू हो जाए, यानी एक क्रीमीनेस आ जाएगा इस स्टेप करने के बाद। यानी अब तीनों स्टेप हमारा हो चुका है। अब जो हमने बना के रखे थे, सबसे पहले सेवई को मिक्स करके उसे हम रोस्ट कर लेंगे एक बार फिर से, ताकि जो घी और ये सब है ना वो स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाए। तो हल्का सा हल्का हर जगह से चलाते जाइए और थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा, एक अच्छी खुशबू आने लगे, हमें इसे डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स में। उसके बाद एक पार्ट को निकाल दीजिए और उसे अच्छे से असेंबल करने के बाद यहाँ पर जो हमने क्रीम बनाए थे अभी उसे स्प्रेड कर लेना है और इसकी भी एक मोटी लेयर बनाकर रख दीजिए, यानी फैला दीजिए अच्छे से। उसके ऊपर जो हमने आधा निकाल के रखे थे उसे ऐड कर देना है। और अब हमें वापस से इसे अच्छे से असेंबल कर देना है कोई भी चीज़ की हेल्प से। जो हमने स्टार्टिंग में ड्राई फ्रूट्स या पिस्ता का आप बनाए होंगे उसे स्प्रेड कर लेना है। एक थोड़ा सा डिज़ाइन भी दे दीजिए। उसके बाद जो हमने सेकंड स्टेप किए थे, यानी सिरप, उसे पोर कर देना है। अब आप इसे आधा पोर अभी करेंगे और आधा जब आप सर्व करोगे जिसकी भी प्लेट में, उसके ऊपर ऐसे सर्व कर दीजिए, तो ये और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो हम इसे कट करेंगे और पहले घी लगा लीजिए अपने स्पून पे और इसे रिमूव कर लेना है और थोड़ा सा सिरप डाल के हमें इसे सर्व कर देना है। आपको अगर इसे गरम गरम बना कर सर्व कर देना है तो हल्का सा गैस की फ्लेम को ऑन करके लो मीडियम रख के गरम भी कर सकते हो ढक करके। और ये डेजर्ट को गरम ही खाया जाता है। होप कि आपको पसंद आए और ट्राई ज़रूर करिए। मैं जा रही हूँ, जी हाँ, शीरकुरमा बनाने की रेसिपी। और ये इतना आसान और बेहतरीन स्वाद के साथ बनता है कि आप इसकी रेसिपी भूलना ही नहीं चाहोगे। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को कट करके रख लेना है। मैंने ली हूँ खोपरा, काजू, चिरौंजी और बादाम। बादाम को गर्म पानी में भिगो दीजिए ताकि जो छिलका है वो रिमूव हो जाए इजीली। फिर हमें इसे कट कर लेना है। आप इसी स्टेज पे छुहारा, किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने सारी चीज़ें 50 ग्राम ली हूँ। यहाँ पर खोवा ले लेना है हमें। खोवा मैंने 250 ग्राम के करीब ली हूँ। और सेवई ले लेंगे, तो सेवई मैंने पैकेट वाला यूज़ करी हूँ क्योंकि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है और ये पहले से ही रोस्ट किया होगा। इसे हम हल्के से रोस्ट करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इंग्रेडिएंट देखने के बाद अब सबसे पहले पॉइंट पे हमें दूध को बॉइलिंग पे रख देना है। तो मैंने यहाँ पर 4 लीटर दूध का इस्तेमाल की हूँ, पैकेट वाले दूध का यूज़ करी हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए और बीच बीच में चलाते ज़रूर रहना है, और इसकी क्वांटिटी हमें काफ़ी कम अमाउंट कर यानी कम कर लेना है। तब तक जब तक दूध गर्म हो रहा है हमें दूसरे साइड पे घी ऐड कर देना है कंटेनर में और उसे मेल्ट हो जाने दें। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हमें उसमें काजू और बादाम एक साथ ऐड कर देना है और इसे फ्राई कर लेना है। तो फ्राई कब तक करना है, जब तक हल्का सा गोल्डन टर्न होने लगे, एक अच्छी सी स्मेल आने लगे तब तक, उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जल जाते हैं। ये देखिए इस स्टेज पे हमें इसे रिमूव कर लेना है और जितना हो सके उतना घी निकालते हुए रिमूव करना है। उसके बाद हमें खोपरा ऐड कर देना है और खोपरा भी जैसे ही गोल्डन टर्न होने लगे हमें इसे रिमूव कर लेना है। एक एक करके हम इस वजह से ऐड कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी फ्राई हो जाती हैं और कुछ बाद में, इस वजह से हमें एक एक करके जब ऐड करेंगे ना तो सारी चीज़ें परफेक्टली गोल्डन टर्न होंगी और स्वाद भी अच्छा आएगा। लास्ट में हमें ऐड कर देना है खोवा, तो खोवा को मैश करते हुए थोड़ा ऐड करना है और खोवा तब तक हमें रोस्ट करना है जब तक स्मेल आने लगे और घी सेपरेट होने ना लगे। अब हमें इसे भी रिमूव कर देना है और जितना भी घी बच गया है उसी में हमें सेवई को भी रोस्ट कर लेना है। तो सेवई को पहले क्रश कर लीजिए एक बड़े बर्तन में, हाथों से मिक्स कर दीजिए यानी, और फिर हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। पहले से ही रोस्ट की हुई सेवई है पर ये स्टेप करने से और ज़्यादा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। और दूसरे साइड पे जो हमने दूध बॉइलिंग के लिए रखे थे वो भी पक रहा है, तो यानी 1 लीटर दूध जब जल जाए, हमने 4 लीटर दूध को बॉइलिंग पे रखे थे, अब ये बचा है 3 लीटर के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब हमें शक्कर ऐड कर देना है, जितना भी आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से, और ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करे थे। सारी चीज़ ऐड करने के बाद हमें बॉइलिंग आने का वेट करना है गैस की फ्लेम को हाई करने के बाद। जब गैस की फ्लेम में हाई रहेगी तो जल्दी जल्दी आपका बॉइलिंग भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बॉइलिंग आ जाए हमें खोवा ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमें सेवई ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने सेवई 3 मुट्ठी ऐड करी हूँ, क्यों, क्योंकि 3 लीटर दूध बचा है, 1 लीटर जल चुका है, और जब दूध जल जाता है तो उससे थिकनेस और रिचनेस दोनों ही आ जाएगा, यानी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इसे नहीं पकाओगे ज़्यादा तो उतना ज़्यादा टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये स्टेप भी आप ज़रूर करें। और अब हम इसे सर्व कर देंगे। और एक बात, आपको गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ही सेवई ऐड करना होता है। ऑफ़ करने के बाद जब ऐड कर दें मिक्स करके आपको ढक देना होगा। ढकने के बाद 5 से 10 मिनट बाद आप इसे ओपन करेंगे, आपकी सेवई परफेक्टली शीरखुरमा बनकर तैयार होगी। होप कि आपको पसंद आए, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो विज़िट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करें बिना ना जाइए। बनाने की रेसिपी या कह लो फिर नहीं, जो बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक अंदाज में हम बनाएंगे, इसका टेस्ट ना आप लोग ज़रूर ट्राई करिए इसे, तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले 1 लीटर दूध ऐड कर देना है और इसे हमें बॉइलिंग पे रख देना है। यहाँ पर हमें फुल फैट दूध यूज़ करना है, जैसे अगर जिसको भी दूध फैट वाला नहीं पसंद है, पर इस रेसिपी में फैट वाला दूध ही यूज़ करिए। गैस की फ्लेम को हाई करके छोड़ देना है, बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिए क्योंकि नीचे से जलने का चांसेस होता है। चावल ले लीजिए, चावल और इलायची को मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो कर रख दी थी, 50 ग्राम चावल है ये, और थोड़ा ना मोटा वाला चावल यूज़ करिए। पहले इसे धो लेंगे, पानी निकाल लीजिए, और अब देखिए इस तरीके से चावल लेना है। मोटा चावल में अच्छी बनती है खीर, और ब्लेंड करने के बाद भी इसके टुकड़े बाइट्स रह जाते हैं, इस वजह से हमें थोड़े मोटे चावल का यूज़ करना है। अब इसे मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। एक चीज़ और, अगर आप छोटी इलायची बड़ी वाली यूज़ कर रहे हो तब आप इसका छिलका निकाल देना, क्योंकि मेरी जो यूज़ करी थी वो काफ़ी छोटी छोटी थी, इस वजह से मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ब्लेंड करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा इसे ब्लेंड नहीं करना होता है, थोड़े बहुत टुकड़े वगैरह रहन देना होगा क्योंकि खीर में ऐसे ही अच्छे होते हैं। अब इसे साइड में रख दीजिए। पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, विज़िट करिए, क्योंकि मैं रोज़ ही आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती हूँ और बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग टिप के साथ लेके आती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए गैस की फ्लेम को हमने हाई करके रखे थे बीच बीच में चलाते हुए, तो अभी अच्छे से बॉइलिंग भी आ चुका है। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम निकाल लेंगे एक छोटे से बाउल में,
इसमें हम ऐड कर देंगे सैफ्रॉन या तो फिर केसर कह लो, इसे थोड़ा सा ज़रूर ऐड करिए अगर हो तो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, और बाजू में रख देना है उसे। यहाँ पर हमें कैरमलाइजेशन का प्रोसेस कर लेना है, तो पहले मैंने 2 बाउल शक्कर ली हूँ, बस 1 लीटर में उतना इनफ था, पर आप अपने हिसाब से भी शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूध को बीच में मीडियम भी कर देना, क्योंकि हाई में सिर्फ रहेगा तो ये ओवरफ्लो होने का चांसेस ज़्यादा होता है, इस वजह से बीच में मीडियम भी करते जाइए और चलाते जाइए। गैस की फ्लेम को हाई करके शक्कर को हमें ऐसे ही रख देना है। अब यहाँ पर जो हमने रखे थे ना चावल, चावल में हमें थोड़ा सा दूध और उसी में से निकाल के ऐड कर देना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लम्प फ्री होना चाहिए मिक्सचर हमारा। अगर ये ऐसे ही ऐड कर देंगे ना तो बीच में गुलटियाँ बन जाएंगी, लम्प्स बन जाएंगे पूरी खीर में, इस वजह से। एक चीज़ और, जब आप ये शक्कर ऐड करो ना, ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो आपको यहाँ पर पानी पहले ही ऐड कर देना होगा। यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं, पर आधे कप के पानी तो ज़रूर पहले ही ऐड कर दीजिए, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। मैं तो बातों में बिज़ी हो गई थी, इस वजह से आधा कप पानी पहले यूज़ नहीं करी, फिर मुझे इसे पूरा मेल्ट करना पड़ा था। खैर वो तो जल्दी मेल्ट हो गया था, पर आप लोग पहले ही शक्कर के साथ आधा कप पानी ऐड कर देना। अब पता कैसे चलेगा कि ये हुआ है कि नहीं, ये देखिए बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और कैसे हल्का ब्राउन हो गया है ना, यानी परफेक्ट हुआ है। लेकिन इसे एक बार चेक भी कर लीजिए, यानी टेस्ट करके हमें इसे चेक करना है। थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, अच्छे से मीठा होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई कोई लोग पका देंगे तो पूरा कड़वा हो जाएगा और पूरी हमारी जो खीर है ना वो भी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से आपको ध्यान देना है, और चाशनी भी नहीं लगने पाए, पानी ऐड करते जाइए अगर आपको लगे कि चाशनी उठ रही है तो। परफेक्ट टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पर दूध में मैंने केसर वाला दूध पहले ऐड कर दी, और मिक्स कर दीजिए अच्छे से। देखिए टेक्सचर भी आ गया, कलर भी आ गया। अब इसी के साथ जो हमने चावल लिए थे उसे ऐड कर देना है, पर उसे अच्छे से घोल करके मिला करके ऐड करना है, क्योंकि गुलटियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ मिलाते जाइए, यानी एक हाथ से मिक्सर ऐड करिए और दूसरे हाथ से चलाते जाना है सारी प्रोसेस में। चावल का मिक्सर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर ये जो चाशनी बनाई थी, यानी चाशनी नहीं स्लरी बनाई थी, कैरमलाइजेशन वाला प्रोसेस जो था वही ऐड कर देना है। तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिए, हो सकता है आपको इतना मीठा नहीं पसंद हो, तो थोड़ा सा ऐड करिए, और उसके बाद आपको चेक कर लेना है, यानी टेस्ट करके। और अब हमें जो चावल है ना उसे अच्छे से गला लेना है, तो बीच बीच में चलाते रहिए और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और चेक कर लेना है। जब तक चावल अच्छे से नहीं गले तब तक हमें इसे पका लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी सी थिकनेस भी आ चुकी है अब, और साइड से स्क्रैच करते जाना है, जितनी भी क्रीम वगैरह होगी उसे भी ऐड करते जाइए इसी दूध में। आप लोग टेक्स्चर देख लीजिए एक बार कितना परफेक्ट बना है। अगर आप खीर बना रहे हो तो आप इससे थोड़ा कम टेक्स्चर यानी कम ज़्यादा देर पकाइए, और अगर आप फिरनी बना रहे हो तो और ज़्यादा देर पकाइए, जैसे इस तरीके से। यहाँ पर ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा ठीक होगा। अब हम कर लेंगे इसे सर्व। सर्व करने के लिए आप लोग टेक्सचर देखिए, परफेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप खीर बना रहे हो तो आप इसे थोड़ा सा स्लरी को रनी रखिए, थोड़ा सा टैप कर लेंगे, और जो सूखा खोपरा आता है रंग बिरंगा जो यूज़ होता है उसे ही यूज़ करना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर जो हम ख़रीदते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं, यही सारी चीज़ें ऐड होती हैं। देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे और थोड़ा देर इसे सेट होने देंगे। सेट होने के बाद आप टेक्सचर देखिए, परफेक्ट वैसे ही होगा जैसे हम खरीद के खाते हैं, है ना। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और विज़िट करना नहीं भूलना। हम ही सेवई बना लेते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप दूध के साथ या बिगर दूध के साथ खाइए, बहुत ही मस्त टेस्ट होता है इसका। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस मैं रोज़ ही लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। यह है लच्छे वाली सेवई। तो सबसे पहले हमें जिसमें भी आप बनाना चाहते हो उसमें ऐड कर दीजिए, और थोड़ा लच्छे को इस तरीके से मैश कर लेना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए, और अब हम इसे भून लेंगे। अगर आप रोस्ट की हुई सेवई जो होती है यानी ब्राउन कलर में वो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये स्टेप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़े ही देर तक कीजिए, यानी 5 मिनट भी करेंगे तो भी वो अच्छा एनहेंस हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप भी वाइट कलर में ले रहे हैं तो आपको भी गोल्डन टर्न करना पड़ेगा। ये परफेक्ट टेक्स्चर है यानी कलर है। और दूध ले लेना है हमें, मैंने 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करी हूँ। घी ले लीजिए, घी डालडा जो भी है आपके पास। पहले तो हमें गैस की फ्लेम को हाई करके मेल्ट कर लेना है डालडा को। अच्छे से मेल्ट होने के बाद हमें इसमें लौंग ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर 5 लौंग ऐड कर रही हूँ, और हाँ अगर आपके पास छोटी इलायची हो तो वो भी ज़रूर ऐड करिए, 3।
दूध ऐड कर देंगे उसमें। यहाँ पर फूड कलर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी यूज़ करके डाइल्यूट करने के बाद ऐड कर देना है, क्योंकि कलर में नमक होता है, इस वजह से ये स्टेप ऐसे हम कर रहे हैं। अब मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम को हाई कर देना है। यहाँ पर ले लेंगे हम शक्कर, तो शक्कर की क्वांटिटी हमेशा जितनी भी आप सेवई रखो उसका डबल रखना है, यानी सेवई की क्वांटिटी 1 किलो होगी तो शक्कर की क्वांटिटी 2 किलो होगी, इसी हिसाब से आपको समझना होगा जितना भी आप क्वांटिटी बना रहे हैं। अब ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। एक और चीज़, दूध की क्वांटिटी आप कितना भी रख सकते हो, क्योंकि दूध जो है वो कम जलता ही है, बहुत ज़्यादा देर हमें उसे पकाना होता है, तो आप 2 लीटर भी दूध की क्वांटिटी रख सकते हैं। बस गैस की फ्लेम को हाई करिए और उसे जला लीजिए, यानी पूरा ड्राई कर लेना है। तो इस वजह से दूध की क्वांटिटी का कुछ भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। मैंने यहाँ पर 1 किलो यूज़ करी हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, पर शक्कर और सेवई की क्वांटिटी का मेजरमेंट आप इसी तरीके से रखिए तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। अब शक्कर मेल्ट होने के बाद यहाँ पर दूसरे प्रोसेस पे हम आ गए हैं, वो है खोए। तो खोए को पहले तो मैश कर लीजिए। मैंने तो हाथों के हेल्प से इस तरीके से मैश कर ली हूँ, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना होता है, इस तरीके से लम्स रहन देना है हमें, ठीक है, क्योंकि खोए में तभी अच्छी सी बाइट्स आती है। अब ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, तो ये है बादाम। बादाम को मैंने छिलके को रिमूव कर ली हूँ गर्म पानी में ऐड करके। काजू ले लीजिए, इस तरीके से चॉप्ड हुआ है। इसी के साथ चिरौंजी, जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो, पिस्ता, सारी चीज़ आप इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे। एक चीज़ और, चिरौंजी को अभी ये सारे ड्राई फ्रूट्स में नहीं ऐड करना है, क्योंकि चिरौंजी काफ़ी जल्दी कलर चेंज कर लेती है, इस वजह से अलग से फ्राई करेंगे, यानी थोड़ा देर बाद। गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए और ऐड कर देना है घी। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है, काजू, बादाम, पिस्ता। अब इसे जल्दी जल्दी चला लीजिए। ये स्टेप थोड़ा आप ध्यान देके करना, इस वजह से क्योंकि बहुत जल्दी डार्क हो जाता है, तो जल भी सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसे फटाफट से चलाते हुए करना है। जैसे ही हल्का टर्न होने लगेगा उसी में हमें चिरौंजी ऐड कर देना है और सूखे खोपरा या नारियल। बस मिक्स कर लीजिए हल्का सा, फिर इसी में ऐड कर देना है जो हमने मिक्सचर को पका रहे हैं। मखाने भी ऐड कर दीजिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करिए या आप स्किप भी कर सकते हैं, इसे भी मिक्स कर देना है। ये चाशनी को हमें पकाते ही रहना है, आप देख रहे हो कंटिन्यू मैंने गैस की फ्लेम पे ही रखी हूँ उसे। अब वही बच्चे वाले मिक्सचर में, या अगर कम पड़ गया हो तो थोड़ा सा घी और ऐड करके हमें इसे भी भून लेना है, यानी खोए को। खोआ हल्का ब्राउन और पिंकिश कलर में हो जाएगा इस तरीके से, यानी परफेक्ट खोआ भी भून चुका है हमारा। फ्राई करने के बाद इसे रिमूव कर लीजिए। आधा क्वांटिटी मैं सर्विंग के टाइम में यूज़ करूँगी और आधा अभी यूज़ कर रही हूँ। मिक्स कर लीजिए। मैंने ऑल टोटल खोए की क्वांटिटी 250 ग्राम्स ली हूँ। अब हम इसे कर लेंगे चेक, यानी इसकी हमें चाशनी नहीं उठाना होता है, पर थिक ज़रूर करना होता है, तो इस वजह से गैस की फ्लेम को हाई करके बार बार चलाते हुए पकाते हुए कंटिन्यू, देखिए हम सारे स्टेप कर रहे हैं, इसे मीडियम हाई ऐसे ही रखे हैं, उतारे नहीं हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसे हमें कितना देर पकाना है। अब कर लेंगे चेक, ये देखिए चाशनी नहीं उठी है, पर कितना अच्छा थिकनेस आ गई है, यानी परफेक्ट बन चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है हमें। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ही हमें सेवई ऐड करना होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और ऐड कर दीजिए जितना भी आपने सेवई लिए हैं, जैसे कि मैंने कहा, मतलब मैंने 1 किलो सेवई लूँगी तो 2 किलो शक्कर ऐड करूँगी, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अब मिक्स कर लीजिए, और सेवई डालने के बाद बहुत ज़्यादा चलाना नहीं होता है, बस एक बार ऐसे घुमा लीजिए 1-2 बार, ताकि लम्स ना रहे। ये मैं आपको दिखाने के लिए बार बार उठाई जा रही हूँ, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। ढक करके छोड़ देना है 15 मिनट तक, बस ऐसे ही बिना फ्लेम के, बस ऐसे ही सेवई ऐड करिए और कवर करके छोड़ देना है। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आप इसे चेक करेंगे ना, तब इसका टेक्सचर और लुक देखिए। ये देखिए, ये है हमारी परफेक्ट किवामी सेवई बनकर तैयार। आपको बस यही थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, और सर्विंग भी आप देख लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं टेस्ट के साथ साथ लुक भी काफ़ी अच्छा हो जाए हमारी सेवई का, तो इस वजह से आप भी ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, या चाहें तो ऐसे ही सर्व कर लीजिए। अब इसे दूध के साथ या बगैर दूध के सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी रहता है, ज़रूर ट्राई करिए। चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।